हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंसेप्ट पॉइंट कोचिंग क्लासेस। आज की इस क्लास में हम फिर आपके सामने इंग्लिश के एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ज़्यादा बोले जाने सेंटेंस पैटर्न के साथ प्रस्तुत हुए हैं। आज हम बात करेंगे ऐसे सेंटेंसों को बोलने के लिए जो आप कर सकते हैं या जो आप नहीं कर सकते हैं। जैसे जनरली हम अपने दोस्तों के बीच या जब कन्वर्सेशन किसी से भी हम करते हैं तो हम बोलते हैं, ये मेरे बस की बात है, ये मैं कर सकता हूँ, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, क्या ये तुम्हारे बस की बात है, और अगर ये तुम्हारे बस की बात है तो कैसे ये तुम्हारे बस की बात है। मतलब जब हम कैपेसिटी एबिलिटी की बात करते हैं, जब हम लोग योग्यता की और क्षमता की बात करते हैं, एबिलिटी और कैपेसिटी दोनों में डिफरेंस होता है। एबिलिटी जो होती है वो दिमाग से संबंधित होती है और कैपेसिटी जो होती है वो शारीरिक क्षमता से शुरू होती है। ऐसे सेंटेंसों को इंग्लिश में बोलने के लिए हमारे पास बहुत सारे सेंटेंस पैटर्न हैं, जिसमें से वन ऑफ द बेस्ट सेंटेंस पैटर्न को आज हम डिस्कस करेंगे। जी हाँ, उसको देखने पर तो आपको ऐसा लगेगा ये तो हम लोग अलग सेंस में यूज करते हैं, लेकिन जब आपको पता चलेगा कि वही सबसे स्टैंडर्ड है और वही सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, जी हाँ हम बात करते हैं। चलिए एक सेंटेंस देखते हैं। जैसे मैंने कहा, यह मेरे बस की बात है, बस की बात है। देखिए, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, इंग्लिश एक सेंस लैंग्वेज है, सेंस ट्रांसलेट होता है, वर्ड टू वर्ड कभी भी ट्रांसलेट नहीं होते हैं। तो आपको सेंस पे ध्यान देना है। सेंस क्या है? यह मेरे बस की बात, इसका सेंस यही है, यह मैं कर सकता हूं, दैट इज द सेंस। अब जैसे मान लीजिए यह मेरे बस की बात है, ठीक, तो अब इसको किस तरीके से ट्रांसलेट किया सकता है? एक तो बहुत सिंपल तरीके से, आई कैन डू इट, वेरी सिंपल। आई कैन एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है जिसका प्रयोग कैपेसिटी और एबिलिटी के लिए किया जाता है, और मॉडल्स के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। मॉडल्स के साथ ये ध्यान नहीं देना पड़ता है कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है। और इसको एक और तरीके से क्या लिख सकते हैं, जैसे आई एम एबल टू डू इट, ये भी तो बोला जा सकता है। आई एम एबल, मैं, एबल का मतलब होता है समर्थ या काम करने में सक्षम, तो वो कह रहा है आई एम एबल टू डैट, आई एम एबल टू डू इट, कि मैं यह काम करने में सक्षम हूं, या आई एम कैपेबल कैपेबल ऑफ डूइंग इट, या ये भी एक तरीका है, आई एम कैपेबल ऑफ डूइंग इट, मैं यह करने में सक्षम हूं, एबल हूं, कैपेबल हूं, या आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूं। ये तो तीन तरीके हो गए। तो ये कैसे तरीके हैं? ये हैं आपके ऑर्डिनरी तरीके, ऑर्डिनरी, ठीक है, मतलब साधारण लोग यूज करते हैं, अच्छी बात है, आपको भी करना चाहिए। लेकिन क्या इसका भी कोई अल्टरनेटिव वे है? क्या इस प्रकार के सेंटेंस को कहने का कोई और बेस्ट वे है? जी हाँ है, और उसके लिए हम यूज करते हैं कप ऑफ टी का। जी हाँ, कप ऑफ टी, वो मैंने आपसे शुरुआत में कहा था कि आपको लगेगा ये तो हम किसी और सेंस में यूज करते हैं। ये एक क्या है, यह एक फ्रेजेस है जिसका मतलब सामर्थ्य के लिए होता है, जिसका यूज सामर्थ्य या क्षमता के लिए किया जाता है, कप ऑफ टी। आपको इसका यूज कैसे करना है, आपके दिमाग में ये प्रश्न उठ रहा होगा। तो इसका यूज बहुत सिंपल है, जैसे आपने कहा इसी को कि इट इज माय कप ऑफ टी, मतलब यह मेरी बस की बात है, आई कैन डू इट, आई एम एबल टू डू इट, आई एम कैपेबल ऑफ डूइंग, और इट इज माय कप ऑफ टी, यह मेरे बस की बात है। देखिए, इनको बोल के देखिए, इसको बोल के देखिए, अलग ही स्टैंडर्ड नजर आ रहा है। इट इज माई कप ऑफ टी, मतलब इसका मतलब ये मत समझना कि ये मेरे चाय का प्याला है। इट इज माई कप ऑफ टी मतलब यह मेरे बस की बात है, ठीक है। या अब बोलेंगे, अगर आपको किसी और से सवाल पूछना, जैसे इट की जगह पे बहुत सारी चीजों का यूज कर सकते, जैसे स्विमिंग इज माई कप ऑफ टी, स्विमिंग इज माई कप ऑफ टी, मतलब स्विमिंग मेरे बस की बात है, रनिंग इज माई कप ऑफ टी, स्पीकिंग इंग्लिश इज माई कप ऑफ टी, स्कोरिंग फर्स्ट रैंक इन द क्लास इज माई कप ऑफ टी। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी सेंटेंस को कप ऑफ टी से बना सकते हैं।
कप ऑफ टी का प्रयोग हम नेगेटिव सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव किसी भी प्रकार के सेंटेंस में इसका यूज कर सकते हैं। यह कैपेसिटी को बताता है। जैसे रनिंग लाइक उसेन बोल्ट इज माई कप ऑफ टी, सिंगिंग सॉन्ग लाइक अरिजीत सिंह इज माई कप ऑफ टी, डांसिंग लाइक प्रभुदेवा इज माई कप ऑफ टी, इस तरीके से हम सेंटेंस का यूज बना सकते हैं। अगर आपको बोलना है क्या यह तुम्हारे बस की बात है तो इज इट योर कप ऑफ टी, तब हम बोलेंगे इसको आप आगे लगा दीजिए, फिर लगाइए इट जिसकी बात हो रही है, इज इट योर कप ऑफ टी, इसका मतलब क्या हुआ, क्या यह तुम्हारे बस की बात है, इज इट योर कप ऑफ टी। अब देखिए अगर हम इस इट को रिप्लेस कर दें, इस इट को हम किसी चीज से रिप्लेस कर दें, जैसे मैंने इस इट को रिप्लेस किया रीडिंग से, रीडिंग से, तो जाएगा इज रीडिंग योर कप ऑफ टी। यदि मैंने इस इट को रिप्लेस किया राइटिंग से, राइटिंग से, तो जाएगा इज राइटिंग योर कप ऑफ टी। यदि इस इट को रिप्लेस किया टीचिंग से, आप किसी भी जीरेंड से रिप्लेस कर सकते हैं, इज टीचिंग योर कप ऑफ टी। जैसे और अगर इसको रिप्लेस कर दें, जैसे ड्राइविंग, तो जाएगा इज ड्राइविंग योर कप ऑफ टी। इज लगा के आप कोई भी जीरेंड का यूज करके सेंटेंस को फॉर्म कर सकते हैं और यह इजिली कन्वर्ट हो जाएगा। बस यू नीड सम प्रैक्टिस, रेगुलर प्रैक्टिस, रीडिंग, लर्निंग, लिसनिंग, ये सारी जो गेटवे होते हैं किसी भी भाषा को सीखने के लिए, चार गेटवे होते हैं, उसको रीडिंग करना चाहिए, लर्निंग करना चाहिए, लिसनिंग करना चाहिए, स्पीकिंग करना चाहिए। अगर हम इन सब का प्रयोग करते हैं तो हम किसी भी भाषा में मास्टरी हासिल कर सकते हैं। वी कैन गेट मास्टरी एनी लैंग्वेज एंड एवरी थिंग इज अवर कप ऑफ टी इफ वी हैव द पेशेंस, इफ वी हैव द टैलेंट एंड इफ वी हैव टू विल टू वर्क हार्ड, यदि हमारे पास किसी भी चीज़ को काम करने की इच्छा शक्ति है, ठीक है, और अगर हम उसको बहुत ज़्यादा तीव्र इच्छा से करना चाहते हैं तो हम इजिली इसको कर सकते हैं। एवरी थिंग इज अवर कप ऑफ टी इफ वी हैव अ स्ट्रीन डिजायर टू डू दैट, कि उसको करने के लिए हमारे पास कीन डिजायर होना चाहिए, तीव्र इच्छा शक्ति होना चाहिए। इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज, इंग्लिश तो एक भाषा है। अ मैन कैन गेट एनीथिंग बाय हिज विल पावर, मतलब मैन कैन गेट एनीथिंग, व्यक्ति कुछ भी प्राप्त कर सकता है अपनी विल पावर से। ये तो केवल सब्जेक्ट हैं, लोगों ने ऐसी ऐसी भाषाएं सीखी जिनको आज तक कोई नहीं पढ़ सका। ये तो इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी इजी, इट्स अ कनेक्टिंग लैंग्वेज, इट्स अ ग्लोबल लिंगुआ फ्रैंका, इट्स अ इंटरनेशनल लैंग्वेज। इंग्लिश तो बहुत इजीली है, हायर, इट्स इजी टू एक्सेस, इजी टू स्पीक, बस यू हैव टू प्रैक्टिस सम इंग्लिश, यू हैव टू राइट सम इंग्लिश, यू हैव टू लिसन सम इंग्लिश, एंड वन डे विल कम आउट दैट ड्रीम विल कम इन टू द इंग्लिश। ऐसा एक दिन आएगा जब सपने भी इंग्लिश में आएंगे, बस प्रोवाइडेड दैट, बशर्ते यू विल हैव टू डू वर्क हार्ड एंड यू हैव कीन डिजायर टू लर्न इंग्लिश। ओके, वी विल मीट अगेन विद द अनदर सिजलिंग सेंटेंस पैटर्न। ओके, टिल नाउ कीप इन टच। ओके।